मैं बांसडी विधानसभा की रहने वाली हूँ, ग्राम सभा हुसैनाबाद पड़ता है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या आपने देखा है? आज की जो कार्यक्रम था महिला सम्मेलन, उसमें आपको क्या कुछ लगा? महिला सम्मेलन जो यहाँ पर आयोजन हुआ था सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से, ये महिला जागरूकता अभियान के तहत भी आता है और महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए भी था। आप देख रहे हैं पूरे जिले से, हर गाँव से जितनी भी महिलाएँ हैं उन सबको हम लोगों ने निमंत्रण दिया था कि उनके सम्मान में यह सभा रखी गई है और उनकी बात को सत्ता में बैठे जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उन तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने के लिए और उनके सम्मान में कहीं भी कटौती ना हो, आगे उनका सम्मान बना रहे, इसलिए इस सभा का आयोजन किया गया। आपके नेता जी ने क्या कहा? सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस महिला सम्मेलन में मंच से क्या संदेश दिया? देखिए, कैबिनेट मंत्री पंचायती राज विभाग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने संदेश दिया है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो जन जन गांव तक, महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, फिर महिलाओं को नहीं समझ में आता है। अभी भी सरकार ऐसी बहुत सारी स्कीम ला रही है या पहले जो भी स्कीम चल रही थी, जो जमीनी स्तर पर अभी भी बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता नहीं है, उनको इस सभा के माध्यम से बताने का काम किया गया है। और एक जीरो पॉवर्टी स्कीम चलाई गई है कि हर गांव में 25 घर को चिन्हित किया जाएगा जिनको आज तक कभी कोई सुविधा नहीं मिली। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पति नहीं हैं, वही घर की मुखिया हैं, और उन तक यह स्कीम पहुंचाया जाए, सरकार की बात को उन तक पहुंचाया जाए और उनको यह सरकार क्या लाभ दे रही है, इस सरकार में उनको किन किन चीज़ों को मुहैया कराया जाएगा, इस जनसभा में उन्होंने बताने का काम किया। जी जी, आप भी कुछ कहेंगी? क्यों कुछ कहेंगी? आज के सम्मेलन को लेकर क्या रहा, आपने क्या देखा, जो महिलाओं की भीड़ थी किस तरह की रही, क्या एक संदेश गया, आपने क्या दिया संदेश उनको? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 22 वर्षों से महिलाओं को जगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी होगी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर नहीं अगर जागरूक हैं तो अपने हक अधिकार के लड़ेंगे नहीं। तो यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने संदेश दिया है कि आप जागरूक होइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आइए, बोलना सीखिए। अब 33% आरक्षण जो मिल रहा है उसमें बता रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं वो सामने आए, ताकि आज तक जो महिलाएं सरकार बनाती थी आज कानून बनाने में भी वो भागीदारी करें। ये सब हमारे संदेश थे हमारे प्रधानमंत्री। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम राधिका पटेल है, मैं सुभाषपा की महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज का ये कार्यक्रम होने का सबसे बड़ा कारण था कि जो हमारी बहनें असमय में विधवा हो जाती हैं, उनके बच्चों के ऊपर से क्या नाम बाप का छाया हट जाता है, तो उसको हटाने के लिए हम माननीय क्या नाम है मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि अगर बिहार में दारू बंद हो सकता है, पांडिचेरी में दारू बंद हो सकता है, गुजरात में दारू बंद हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी दारू बंद हो सके, ताकि हमारी बहनों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था, हमारी महिलाओं को जो असमय में विधवा होती हैं वो ना हो, इसी परपज में ये कार्यक्रम था। ये सम्मेलन, चूँकि आप अन्य जनपदों में जाती होंगी, हर जगह जाती हैं, जी जी जी, तो हमें लगता है पूर्वांचल के कई जनपदों में आपका महिला सम्मेलन हुआ होगा, लेकिन बलिया कैसा सम्मेलन रहा, क्या संदेश रहा? देखिए, मैं पहली बात, लोग कहते हैं कि बलिया 3 दिन पहले ही आज़ाद हुआ, तो बलिया का कार्यक्रम, जी जी जी, तो बलिया के वासियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देती हूँ। और आने वाला है हमारी बहनों के लिए करवा चौथ, तो करवा चौथ की मैं अग्रिम बधाई देती हूँ और आप सब बंधु को मैं अपनी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक बधाई देते हुए आपके मंच से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी बहनों को लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए, जब तक बहनें लड़ेंगी नहीं तब तक अधिकार मिलेगा नहीं। पूरी तरह से सम्मेलन एक ऐतिहासिक रहा, सफल रहा, इसको लेकर आपके नेता बात करें, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी उन्होंने क्या संदेश दिया? मैं रघुनाथ निषाद आपके गाइड को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज माने श्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री जी ने समाज और जनता को, जनमानस को ये संदेश देने का काम किया कि आज अधिक से अधिक हर जाति हर मजहब के लोग वंचित अधिकार से, उनको अधिकार दिलाने का बात किया। कम से कम 100% में भागीदारी महिला पुरुष का होता है, जबकि आज भी 50% की महिला भागीदार है, लेकिन उनको परसेंटेज नहीं दिया गया। आज भी अगर माने सरकार ने देने का वादा भी किया, 30% अभी लागू नहीं हुआ है। आज उस अधिकार को पूरा करने के लिए महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि पढ़ लेकर के, शिक्षित होकर के, राजनीतिक में, सिक्किम में निकल करके अपने समाज के अधिकार में पूरी भरपूर लड़ाई लड़ करके अपने सदन में भी महिलाएं आवाज़ उठाएं। जी, आप क्या कहेंगे आज के सम्मेलन को? आज के सम्मेलन को मैं यही कहूँगी कि जो जितने भी मतलब महिलाएं हैं वो शराब से पीड़ित हैं, जिस तरह से बिहार और गुजरात में शराब बंद है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए।